गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट सेकंड करेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर का सप्लीमेंट्री रीडर का। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा कि राजा की 9 बेटियां होती हैं, ठीक है, उसमें से सबसे छोटी होती है प्रिंसेस सितंबर, जिसका जो पैरट होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो उसकी जगह क्या आता है, एक चिड़ी आती है जो बहुत अच्छा गाती है, तो सब लोग उससे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है किसी को, लेकिन जो उसकी प्रिंसेस होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो उससे जलना चिढ़ना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए जो प्रिंसेस, हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जो प्रिंसेस सितंबर है वो अपनी बहनों की बात मान लेती है और उसको केज में बंद कर देती है। बट जो चिड़िया होती है, जो बर्ड होता है, उसको अपनी फ्रीडम गंवाना पसंद नहीं होता, इसलिए प्रिंसेस सितंबर डिसाइड करती है कि वो चिड़िया की हैप्पीनेस को ऊपर रखेगी और अपनी पीछे रखेगी। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे शुरू करते हैं। अभी जो तक जो चिड़िया है वो अभी तक घर नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि वो अपने फादर इन लॉ के गया था पार्टी में। तो जो प्रिंसेस सितंबर है उसको बहुत टेंशन हो जाती है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आया, कहीं उसको रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, किसी चिड़िया ने, ईगल ने उसको खा तो नहीं लिया, और या फिर उसको कोई बहुत सुंदर लेडी प्रिंसेस मिल गई हो, ये सब कुछ वो देखती है। लेकिन वो तभी पीछे मुड़ के देखती है, उसके कंधों पर जो चिड़िया होती है वो बैठी होती है, प्यार से आके बैठ जाती है। ठीक है, तो प्रिंसेस बोलती है कि मैं यही सोच रही थी अगर तुम नहीं होते तो क्या होता, तुम शायद नहीं आते। तो वो बोलती है, चिड़िया बोलता है कि मेरे को भी लग रहा था कि तुम ऐसा सोचोगी, पर प्रॉब्लम ये थी कि रात को मेरे फादर इन लॉ ने पार्टी दे दी थी, तो मुझे पूरी रात वहीं पर रुकना पड़ा। बट मुझे पता था कि तुम बेचैन हो जाओगी इन सरकमस्टेंसेस में। ठीक है, तो सितंबर को बहुत बुरा लग रहा था और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने क्या करा, अपनी जो बहनें थी उनकी एडवाइस मान ली और उसको एक केज में बंद करने की कोशिश करी। तो चिड़िया को ही शक होता है कि कहीं मुझे बंद ना कर दे, बट वो प्रिंसेस सितंबर क्या बोल देती है, नहीं नहीं मेरी जो माँ है उनकी जो बिल्लियाँ हैं वो इधर उधर रात भर घूम रही हैं, तो इसलिए आज तुम यहाँ पर बंद हो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर बंद कर दूँ। तो कह देता है, तो चिड़िया बोलती है कि ठीक है, अगर यही रीज़न है तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे सुबह होते ही निकाल देना। ठीक है, अब आपको पता है कि जो चिड़िया है वो उड़ने वाला था, मतलब इधर उधर उड़ने वाला था, तो उसको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी थी, तो इसीलिए वो क्या करते, खाना खा के रात को अंदर बंद हो जाती है। पर वो जैसे ही गाना गाना शुरू करती है, गाना गाने के बीच में वो चुप हो जाता है। ठीक है, चुप क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं मिल रही। तो प्रिंस सितंबर से बोलता है कि मेरा पता नहीं गाना गाने का मन क्यों नहीं कर रहा। तो प्रिंस सितंबर बोलते हैं इट्स ओके, तुम अभी सो जाओ। तो वो दोनों सो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सुबह होती है, मतलब जैसे 4-5 बज जाते हैं, डॉन का टाइम होता है सुबह का, बिल्कुल बिल्कुल सुबह सुबह का। ठीक है, तो उस टाइम पे चिड़िया उठती है और प्रिंसेस सितंबर को भी उठाती है कि उठो और मुझे केज से बाहर निकालो। बट प्रिंसेस सितंबर क्या कहती है, मना कर देती है कि मैं नहीं निकालूंगी, ठीक है, तुम जहाँ पर रहो वहीं पर रहो। तभी जो उसकी बहनें हैं, बाकी प्रिंसेसेस हैं, वो आती हैं और कहते हैं तुमने बहुत सही करा जो तुमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया, जो बर्ड है उसको भी आदत हो जाएगी कुछ दिन बाद और सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, तो लिटिल बर्ड अभी इस टाइम पे कुछ नहीं कहता। ठीक है, बट जैसे ही वो सब चले जाते हैं, तो फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सितंबर बोलती है कि तुम पागल मत बनो, ठीक है, मैंने तुमको इसीलिए यहाँ पे बंद करा है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, आई नो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है मैं जानती हूँ, तो तुम एक अच्छा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें चीनी दूंगी, पीस ऑफ शुगर दूंगी। ठीक है, लेकिन जो लिटिल बर्ड होता है वो केज के कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है, ब्लू स्काई को देखता है और एक गाना लिख देता है, व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सैड सितंबर, कि तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो और अपनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं भूल रहे। तो बर्ड बोलता है कि मैं क्यों गाना गाऊं, कैसे गाऊं, मेरे को पेड़ों को देखना है, मुझे हरियाली देखनी है, मुझे नदियां देखनी है, तभी मैं गाना गा पाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें डेली बाहर लेके चलूंगी और तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। बर्ड कोई भी गाना नहीं गाता, ना ही कुछ खाता, तो प्रिंसेस जो होती है थोड़ी सी ना घबरा जाती है और अपनी बहनों से पूछती है कि क्या हो रहा है। तो वो सब बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ठीक है, तो प्रिंसेस बोलते हैं कि अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वो तो मर जाएगा। ठीक है, तो वो सब बोलते हैं, तो दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल, ये तो उसके लिए बहुत बुरी बात है। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि तुम उसकी अच्छाई के लिए ही सोच रहे हो। ठीक है, अगर वो कुछ दिन नहीं खाएगा तो वो डाइज, इट विल सर्व हिम राइट, इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज, इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। अगर वो मर भी जाता है ना, तो तुम उसके मतलब तुम उससे प्यार करना छोड़ दोगे, सही है, फिर तुम भी आज़ाद हो जाओगी। सेप्टेम्बर डिडेंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, बट देवर 8-1 एंड ऑल ओल्डर दैन शी, सो शी सेड नथिंग। सेप्टेम्बर को पता था कि वो सब गलत बात कर रहे हैं, पर वो छोटी थी
और सब एक साइड थे और वो अकेली थी इसलिए उसने कुछ नहीं बोला. परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज, कोई बात नहीं, इसको कल तक आदत हो जाएगी केज में रहने की. नेक्स्ट डे जब वो उठी शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग, वो एकदम चिल्ला के बोली गुड मॉर्निंग हंसते हंसते, बट उसको कोई आंसर नहीं मिला. वो अपने बेड से बाहर उठी और केज की साइड भागी. ठीक है, शी गेव अ स्टार्टेडली क्राई, उसने जो चिल्लाया कि उठो 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 फॉर द, तो लिटिल जो बर्ड थी वो वहाँ पे ऐसे लेटी हुई थी. ठीक है, आंखें बंद करके ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि वो मर गया हो. शी ओपन, उसने डोर खोला और अपना हाथ बाहर निकाला, उसको बाहर निकाल के उसने उसको प्यार से सहलाया. ठीक है, तो उसका दिल थोड़ा थोड़ा भी धड़क रहा था, तो वो बोलती कि खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ. वो रोना शुरू कर देती है और उसके जो आंसू हैं वो चिड़िया के ऊपर गिर जाते हैं. ठीक है, वो अपनी आंखें खोलता है एंड सो दैट बार, तो वो देखता है कि अब वो केजेस में नहीं है, बार में नहीं है, तो वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, वो खुश है अभी इस टाइम क्योंकि वो बाहर निकल गया. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं नहीं गा सकता क्योंकि जब तक मैं फ्री, मतलब मुझे फ्रीडम नहीं मिल जाती, और अगर मैंने नहीं गाया तो मैं मर जाऊँगा. ठीक है, द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोप, तो प्रिंसेस इस चीज़ से बहुत, मतलब उसको थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि मैंने क्या कर दिया. देन टेक, ठीक है तुम अपनी फ्रीडम लो, मैं तुम्हें इसमें बंद नहीं करूँगी. आई शट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई, मैंने तुम्हें इसलिए बंद करा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं चाहती थी कि तुम हर टाइम मेरे पास रहो. बट मैं जानती हूँ कि मेरे को तुम्हें मारना नहीं है, बट मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहती. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं चाहती हूँ बस तुम खुश रहो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती. शी थ्री ओपन द विंडो, उसने विंडो ओपन करी और उसको बाहर निकाल दिया. ही शुक हिमसेल्फ अ लिटल, कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड शी सेड, आई विल नेवर पुट यू इन केज, अब मैं तुम्हें केज में बंद नहीं करूँगी, तुम यहाँ से उड़ के चले जाओ. मैं, वो कहता है कि ठीक है मैं वापस लौट के आऊँगा बिकॉज आई लव यू और मैं इससे भी तेज तेज आवाज़ में गाऊँगा और तुम्हें खुशी दूंगा. आई शैल गो फार अवे, बट मैं दूर जा रहा हूँ पर मैं लौट के ज़रूर आऊँगा और तुम्हें कभी नहीं भूल सकता. ठीक है, फिर वो उसको बाय करके ऐसे निकल जाता है. देन ही ओपन, अपने विंग्स फैलाता है, आसमान में उड़ता है और लिटिल प्रिंसेस क्या होता है तभी रोना शुरू कर देती क्योंकि वो अपनी खुशी से ऊपर उस टाइम उसने चिड़िया की खुशी देखी है. और देखो दुख होता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा दुख होता है जब वो उसको देखता है जाते हुए देखती है. ठीक है, व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर, जब उसकी बहनों को पता चलता है कि उसने उसको उड़ा दिया तो वो उसको बहुत डांटती है. ठीक है, बट ही डिड एट लास्ट, और बोलते हैं कि वो कभी लौट के नहीं आएगा, पर वो लास्ट में आता है. एंड ही सेट, और वो उसके कंधे पर आकर फिर से बैठता है एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और गाना गाता है बहुत प्यार से उड़ते उड़ते. ठीक है, तो जो उसकी बहनें बोलती हैं ना कभी लौट के नहीं आएगा कभी लौट के नहीं आएगा, पर वो लौट के आता है, उसकी बातें को वो मान रखता है. तो सितंबर क्या करती है, डेली ही अपनी विंडो का गेट, विंडो ओपन रखते डे एंड नाइट ताकि कभी भी चिड़िया उसके रूम में आ सके और कभी भी जा सके. ठीक है, एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ, जब वो बड़ी, जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो वो राजा, एक राजा से शादी कर लेती है एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट, उसके शहर में जाती है राजा के शहर में. But her sisters never slept with their windows open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable. And when the time came to marry them off, देखो जब उसको वो अपनी windows open रखती तो वो थोड़ी सी fresh रहती है, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन है वो कभी windows open रखी नहीं होती थी, कभी freshness ही नहीं मिली उनको, ना खुशी मिली, इसलिए थोड़ी सी ना बड़ी बूढ़ी ज़्यादा लगने लगी. तो उनकी जो शादी हुई थी वो ऐसे किसी अच्छे से राजा के साथ नहीं हुई, नॉर्मल लोगों के साथ ही हुई. तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है. ठीक है, तो लोगों को ना अपनी खुशी से ऊपर भी दूसरों की खुशी रखनी चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए, नहीं कि किसी को बांध के रखे जस्ट बिकॉज आप उनसे प्यार करते हो, ऐसे नहीं होता. ठीक है, थैंक यू सो मच.